गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं कितने? 7। तो हमें हमेशा टर्न करके उठना चाहिए पहली बार, और सबसे पहले हमें अपने धरती माँ के पैर छूने चाहिए। तो हम सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे सुबह उठ के। मैं जाऊंगी थोड़ा सा जूस पीने के लिए। गाइस ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं हमेशा पीती हूँ, ग्लोई आमला और एलोवेरा का जूस। ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करती है और हमें एसिडिक प्रॉब्लम से बचाती है। तो गाइस मैं जा रही हूँ ब्रश करने, तो मेरा ब्रश भी पतंजलि का ही है। मैं वुडन ब्रश यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक यूज़ नहीं करती हूँ। तो अब मैं हो जाती हूँ फ्रेश, इसके बाद मुझे होना है रेडी, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए उडुपी। तो कई संडे को हम यूजुअली जाते हैं उडुपी डोसा खाने के लिए, तो हम लोग रेडी हो गए हैं और जाने वाले हैं हम डोसा। आप क्या खाओगे? मैं देखता हूँ, रवा डोसा शायद। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि उडुपी में क्या क्या मिलता है, और यूजुअली हम मेरा तो फेवरेट मसाला डोसा ही है। स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ उडुपी। आज का मेन्यू तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पर मेरा ऑलवेज फेवरेट, मैं तो आज खाने वाली हूँ मसाला डोसा, और चिरू देखते हैं क्या खाता है। तो ये रहे सारे वैरायटी जो ब्रेकफास्ट में अवेलेबल रहते हैं मॉर्निंग में उडुपी में। और ये आ गया मेरा डोसा, आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा। और ये रहा चिरंजीवी का डोसा, वो खा रहा है रवा डोसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। और मैं खा रही हूँ यहाँ पे मसाला डोसा, फुल ऑफ ऑयली एंड फैट। तो गाइस डोसा खाने के बाद मैं आ गई हूँ नर्सरी घूमने। मैं सोच रही हूँ आज कुछ एक प्लांट लेके जाती हूँ अपने घर में। तो ये प्लांट तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, मैंने सोचा कि मैं एक ले लेती हूँ, पर भैया ने बोला कि 500 का है, तो मुझे लगा 500 के हिसाब से तो वर्थ इट नहीं है, तो मैंने आज कोई पेड़। तो प्लांट्स की जगह पे मैंने लिए फल, मैं लेके गई कुछ फ्रूट्स जिसमें वाटरमेलन, अंगूर और मलबेरीज। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ मलबेरी शेक बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी और प्यास लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मलबेरी है तो उसका शेक बना लेते हैं बढ़िया सा। तो गाइस अब रेडी है मेरा मलबेरी शेक। तो गाइस मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा प्यास, तो मैंने बनाया मलबेरी का शेक। तो मैं जा रही मलबेरी का शेक पीने। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने रूम की थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, मेरा रूम पूरा फैला पड़ा है, पर आज फाइनली मैंने अपना रूम पूरा सेट कर लिया अच्छे से। बिरयानी? अरे रूम सेट करने के बाद मैंने खाई बिरयानी जो एकदम बढ़िया थी। बिरयानी खाने के बाद मैंने अपने कैट को थोड़ा सा शावर करवाया, और ये कितनी प्यारी लग रही है नहाने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो। और मेरा ब्राउनी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, आराम से नहा लेता है, कुछ शैतानी नहीं करता है। तो गाइस फिर शाम को हम निकल पड़े बाहर, थोड़ा सा मैंने बाटी और चोखा खाया, उसके बाद मैं निकल पड़ी लॉन्ग ड्राइव पर। हमने थोड़ी देर लॉन्ग ड्राइव करी, इन्जॉय किया। तो संडे का दिन आज यहीं ख़त्म होता है, और हमने खूब मस्ती करी, तो अब घर जाने का टाइम। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, गुड नाइट।